आपके बारे में सोच रही हूँ। मेरी शादी टूट रही है और आप बैठे गुनगुना रहे और बियर पी रहे। तो इसमें चिंता की क्या बात है, राहुल अगर जाता है तो जाने दो। और मैंने तो बिटिया पहले ही तुमसे कहा था कि उसको डिवोर्स दे दो, अब अपने काम का नहीं रहा। आप शायद ये भूल रहे हैं कि वो आशु के पिता है। ऐसा नहीं है कि उसके बगैर आशु का कुछ भी नहीं होगा। आशु एक बड़े और रिस्पेक्टेड खानदान का बेटा है। हमारे डिवोर्स से वो सोशल आउटकास्ट हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि उस पे ये सोशल स्टिग्मा आए। लेकिन आप इन बातों को क्यों समझेंगे, क्योंकि आपने अपना जीवन तो एक कबाड़ी जैसे बिताया है ना। रिस्पेक्ट और सोशल स्टेटस तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। बिटिया, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रुपया। अगर आदमी के पास रुपया हो ना, उसकी सारी बुराइयां छुप जाती। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। माँ कहाँ है? बाजार गई। पापा मी? अपने कमरे में ही होगी। आजकल ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। उसको समझाना कि बाहर जाए, घूमे फिरे, लोगों से मिले। अगर लोगों से नहीं मिलेगी तो उसकी शादी कैसे होगी? दीदी कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही हुई, तुमसे बात करने चली आई। कल रात पार्टी में जो कुछ हुआ शायद उस वजह से टेंशन हो गई होगी। मम्मी, मैंने सोचा है पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जब इस ऊंचाई पे पहुंच गई हूँ तो महसूस हो रहा है कि यहाँ तो सिर्फ खालीपन है। मेरे अपने भी मुझसे दूर होते जा रहे हैं, जैसे पापा। दीदी, आपको अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान रखना चाहिए था। क्या मेरी प्रायोरिटीज गलत है? क्या मेरी एम्बिशन गलत है? क्या मैंने राहुल को समझने में गलती की? मैं कुछ नहीं जानती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। दीदी, दीदी प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ओके? पानी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बाय। राहुल, तुम कभी पम्मी से मिले हो? हाँ, कई बार मिला हूँ। मेरा मतलब है, फुर्सत से मिले हो? I mean to say, do you know her? Sort of. क्यों पूछ रही हो तुम? What do you think of her? She's a nice person. वो अपनी बहन से उतनी ही अलग है जैसे अंधेरे से उजाला। यानी तुम उसे पसंद करते हो? हाँ भाई, बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो क्या करें? क्यों ना हम तीनों पिकनिक पर चलें? इतनी परेशानियों के बीच तुम्हें पिकनिक की सूझ रही? फिर कभी। अच्छा चलो खाना खा लें।
May I come in, please? Yes, of course. Come in, Lola. क्या बात है लोला? जमीन की खाक आसमान को छूने चली है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम नहीं, आप कहो। ये मत भूलो कि तुम मेरी एक अद्दा नौकरानी हो। अच्छा ये बताओ, राहुल से तुम्हारे ताल्लुकात कब से हैं? कैसे ताल्लुकात? एक औरत और मर्द के बीच में कैसे ताल्लुकात होते हैं नताशा, खास करके जब वो मर्द शादीशुदा हो। मैं और राहुल जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त तो तुम रुद्रा होटल के टाइम से हो, लेकिन ख्वाब तुम तब भी देखती थी। अपने ख्वाब अब पूरे करने जा रही हो उसकी रखेल बनके? आपको गलतफहमी हो रही है मैडम। Really? फिर प्लीज मुझे ये बताओ, What is this? खाना कैसा लगा राहुल? ठीक था। नताशा, मैं तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत का एहसान मंद हूँ। तन्हाई, बेबसी और जिल्लत भरे उस दौर में अगर तुम मेरा हाथ ना थामती तो मैं शायद खुदकुशी कर बैठता। दोस्ती में कोई किसी पर कोई एहसान नहीं करता राहुल। तुम मेरे जज्बात की सच्चाई की कदर करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। काश मैं तुम्हारे प्यार का जवाब दे सकता। मैं मजबूर हूं नताशा। लोला के घिनौने रूप ने मेरे दिल पर जो घाव डाले हैं वो कभी नहीं भरेंगे। अब सो जाओ राहुल, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस निकली नताशा। तुम्हारे इस खेल ने तो मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया। इस खेल के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो लोला। Shut up and listen to me. अगर राहुल मेरा ना हुआ तो तुम्हारा तो कभी नहीं हो सकता। राहुल को यूज करके तुम्हें जो कुछ भी हासिल करना था तुम हासिल कर चुकी हो लोला। अब तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? तुम कौन होती हो मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में सवाल करने वाली? कौन होती हो तुम? तुम्हारी औकात ही क्या है? चंद रुपयों के लिए दर दर भटकती थी तुम। मैंने तुम्हें नौकरी दी, ये बंगला दिया, गाड़ी दी, तुम्हारे दिन बदल डाले। हाँ, तुमने मेरे दिन बदल डाले, लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं एक मशीन की तरह तुम्हारे हर इशारे पर नाचूं, मिस्टर करण खन्ना के ऑफिस में तुम्हारे लिए जासूसी करूं। तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल किया है लोला, सिर्फ इस्तेमाल किया है तुमने। तुम क्यों इस्तेमाल हुई थी नताशा? तुम क्यों मेरे इशारों पे नाची? याद नहीं आ रहा? क्या तुम राहुल के प्यार में इतनी खो गई हो कि अपना अतीत भूल गई? चलो मैं याद दिला देती हूं। याद करो नताशा, तुम्हारा एक बाप था, एक सौतेला बाप।
नताशा, क्या बात है बेटी? कल रात तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मन नहीं था माँ। मैं देखती हूँ आजकल तो बड़ी गुमसुम सी रहती है, क्या परीक्षा का टेंशन है? नहीं। तो फिर क्या परेशानी है? तुमने दूसरी शादी क्यों की माँ? करनी पड़ी थी, तेरी परवरिश, लिखाई पढ़ाई और समाज में इज्जत से रहने के लिए करनी पड़ी थी। पापा को छोड़ के नहीं गए थे? जो कुछ थोड़ा रुपया और जेवर था वो तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, और तुझे पालने के लिए किस किस का मुंह देखती? एक शरीफ कमाऊ आदमी मिल गया तो मैंने सोचा तुझे पिता का साया मिल जाएगा। मेरे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग नताशा डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है आज तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? मां मैं जा रही हूँ। अंकल मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ आप मुझे डार्लिंग मत कहा कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़की अजीब लड़की है, मैं इसे जितना ही प्यार करना चाहता हूँ यह मुझसे उतनी दूर भागती जाएगी। डार्लिंग तुम समझने की कोशिश करो, अभी तक वो अपने पापा को याद करती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ओह नो, चाय अभी नहीं लिया, पहले एक ड्रिंक ले लूं ताकि रात का हैंगओवर मेरा उतर जाए। ओके? अभी दिन भर दिन तुम ज्यादा पीने लगे हो। हाँ दिन भर गधे की तरह काम भी तो करता हूं डियर, यू नो शराब मेरी थकन मिटा देती है। आज मेरी छुट्टी का दिन है, बोतल ले आओ, दो गिलास ले आओ और आज तुम भी मेरे साथ शराब पियो। छी छी, कैसी बात कर रहे हो तुम? और जरा आहिस्ता बोलिए, नताशा सुन लेगी। तो क्या हुआ, एक दिन हम उसे भी अपने साथ बिठा कर शराब पिलाएंगे? What's wrong? अंकल मम्मी घर में नहीं है। कहाँ गई है मम्मी? मम्मी पड़ोस में गई है शीला आंटी के यहाँ। अच्छा अच्छा, और तुम कहाँ जा रही हो? मैं पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, ये क्या कपड़े पहन रखे, कुछ नीचे से ढीला सा लग रहा है, इसको तुम ऐसा टाइट करो ना ये और ज्यादा खूबसूरत दिखोगे। नहीं ऐसे और ठीक ये कौन सा परफ्यूम लगा रखा है? लिसन नताशा, मेरे पास बेरेस का परफ्यूम है। लिसन नताशा, और नताशा चली गई? तुम कहाँ चली गई थी? मैं शिल्पा भाभी के बच्चे की नामकरण पार्टी थी, वहाँ गई थी। हाँ। तुमने दिन दहाड़े पीना शुरू कर दिया। अरे हाँ याद है, तुम अपनी माँ की बरसी पर गांव जाने वाली थी, कब जा रही हो? अगले हफ्ते। बेफिक्र होकर जाओ, मैं भी समय निकालकर एक आध दिन के लिए नताशा को साथ लेकर आ जाऊंगा। नहीं
मैं नताशा को अपने संग ले जा रही हूँ। लेकिन उसकी पढ़ाई का हर्जा होगा, तुम ये क्यों नहीं सोचती? कोई बात नहीं, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कह देती? उन्हें बहुत दुख होगा लोला, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? आई होप नॉट। क्या करूं लोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर छोड़ दो। फिर रहूंगी कहाँ? अभी तो हमारा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी। फिर किसी अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर लो। लोला तुम तो हमेशा ऐसी ही राय देती हो। मैं प्रैक्टिकल हूँ नताशा, गरीबी इंसान को बहुत कमजोर बना देती है और मुझे इन दोनों से नफरत है। कमजोर तो मैं भी नहीं रहना चाहती लोला, एंड आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, लेकिन तुम जो राय दे रही हो मेरे लिए वो करना मुश्किल होगा। किसी को इस तरह फंसाना बहुत घटिया बात लगती है। The end justifies the means, Natasha. Anyway, मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ओके बाय। Natasha, you're looking so beautiful. मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं नताशा। क्या बात है, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? You know, Natasha, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। I like you. क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? I like you. छोड़ दीजिए मुझे। नताशा, मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ से शादी की। Let me check.